यस, गुड आफ्टरनून। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈਕਸ ਚੈਪਟਰ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕਿਆ ਕਿ ਕਹਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੇਨ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਮੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਯੂਜ਼ ਕਰਾ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 28-44 ਕਹਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਔਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਫਰਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਔਰ ਅਸੈਸਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਸੈਲਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਅ ਟੈਕਸ ਆਫ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗਵਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਸ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦ ਅਰਨਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਸਮੇ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੌਨ ਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇ, 2 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੌਨ ਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 13। ਇਸਮੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰੇਡ ਕਮਰਸ ਔਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਨੀ उसकी एक्टिविटी हम यूज़ हो रही है हमारी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, एक सेकंड, नेक्स्ट आता है हमारा। अब उन्होंने कहा कि एडवेंचर ऑफ नेचर ट्रेड कौन से हैं, एडवेंचर क्या है, क्या कहते हैं, वाइज द परचेज द ट्रेडर इस परचेज द कॉमोडिटी, कौन सी कॉमोडिटी पे यूज़ कर रहे हैं ट्रेड और बिजनेस में, किस नेचर में, किस कॉमोडिटी में, और अगर हम परचेज कर रहे हैं कितना इंप्रूव क्वालिटी रेट हमारा उसका जा रहा है। ठीक है, प्रोफेशंस में सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 यूज़ हो रहा है कि प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग द प्योरली इंटेक्चुअल द स्किल एंड मैनुअल स्किल। दो स्किल्स इसमें यूज़ करी गई है, इंटेक्चुअल स्किल एंड मैनुअल स्किल्स यूज़ करी। जो इंटेक्चुअल स्किल्स है वो लोअर अकाउंट और इंजीनियर के लिए है, मैनुअल स्किल्स जो वर्कर्स पर्सन और इंप्लॉयज के लिए यूज होते हैं। क्लियर, अब चार्जिंग प्रोविजंस कौन सी यूज़ हो रही है सेक्शन 28 में। पहला कहते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन इनकम कौन सा सेक्शन यूज़ हो रहा है 28, सब सेक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है 1। अगर प्रॉफिट और ग्रेन हम बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हैं तो असेसी का टाइम अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर चेक करना है कि किस प्रीवियस रेट में वो शो कर रहा है। ठीक है, कंपनसेशन में है कौन सा आर्टिकल यूज़ हो रहा है सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 में। एनी पर्सन अगर कंपनसेट कर रहा है उसको इंडियन कंपनी में, उसको क्या चाहिए कि कनेक्ट करे, टर्मिनेशन करे और मैनेजमेंट को क्या करे, मॉडिफिकेशन करे एज अ टर्म एंड कंडीशन, जो उस कंपनी की क्या है टर्म है और कंडीशंस हैं। क्लियर, नेक्स्ट इनकम एंड ट्रेड प्रोफेशन एसोसिएशन में क्या है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 है। ये आपने सेक्शन साइड बाई साइड लर्न करने हैं। अगर ट्रेड एसोसिएशन में नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो बिजनेस कंपिटिटर्स क्या कर रहा है, सेम लाइन बिजनेस में क्या कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, इनकम को क्या कर रहा है, डिलीवर्ड कर रहा है ट्रेड प्रोफेशनल में। ठीक है, उसमें कौन कौन सी यूज़ होती हैं। पहले कहते हैं कि एलोकेशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी इनकम में। सेकेंडली, अगर हमने अमाउंट डिडक्शंस हमने लॉ करी है, शुड नॉट एक्सीड करे 50% से। ठीक है, बट टोटल इनकम डिडक्ट कितनी कितने में करेगा, 50% में। क्लियर, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में क्या है कि अगर प्रॉफिट ऑन सेल लाइसेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1955 में इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट करेगा, कि कौन से एक्ट में, 1947 में। ठीक है, कैश असिस्टेंस में भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव में भी सेक्शन 29(3)(b) सेक्शन है, इसमें अगेंस्ट होगा एक्सपोर्ट में। एंड स्कीम कौन सी इसमें यूज़ होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, एनी ड्यूटी कस्टम एंड एक्साइज, कस्टम और एक्साइज में भी यूज़ होगा, कौन सी डेट में, 1 अप्रैल 1972 में हुआ था। प्रॉफिट ट्रांसफर ऑन ड्यूटी इंटेंटमेंट का पासबुक में भी क्लियर है, इसमें अनाउंस करा गया। रजिस्ट्रेशन एंड फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट को भी क्या करा गया, चेक करा गया, उसकी रेगुलेशंस भी बनाई गई हैं। ड्यूटी फ्री भी होनी चाहिए कहते स्कीम, उसमें क्या था कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशंस एक्ट क्या कर रहे हैं, यूज़ हो रहा है। ठीक है, वैल्यू बेनिफिट एंड प्रोसीक्यूट्स में सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 यूज़ करा गया, इनकम आर नॉट असेसिंग फॉर द बिजनेस एंड एक्सरसाइज द प्रोफेशन। इसमें चार्जेबल हेड कौन सा यूज़ हो रहा, प्रॉफिट एंड ग्रेन। ठीक है, सिक्स है सैलरी इंटरेस्ट बोनस एंड कमीशन, इसमें क्या है कि अगर पार्टनर ने किसी से भी कमिट करा है, ठीक है, एक फर्म ने, एक पार्टनर ने ए या बी या पार्टनर, ठीक है, उन्होंने आपस में कमिट करा, तो उसमें भी कौन सा सेक्शन यूज़ होगा, 28 सब सेक्शन 5 यूज़ होगा, कि कितना वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, कितनी सैलरी पे है, कितना उसका बोनस है, और कमीशन एंड रेमुनेशन पार्टनर फर्म का कितना है। और एसएससी में जो फॉर्म अंडर इनकम टैक्स हम यूज़ कर रहे हैं कौन से सेक्शंस में हो रहा है, 184 सब सेक्शन यूज़ हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट है एनी अमाउंट रिसीव, अगर कोई भी अमाउंट हमने रिसीव्ड करी है अंडर द सर्टन एग्रीमेंट में बट वो नॉट कैरी द बिजनेस प्रोफेशन, वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आती, कौन से सेक्शन में आ रही है, 28 में। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि नॉट कैरिंग एक्टिविटी यूज़ हो रही है बिजनेस की, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। मान लो एक कंपनी है, उसने कोई भी मतलब अपने बिजनेस का नेम रखा तो दूसरा सेम उसको कॉपी नहीं कर सकता। क्लियर, नॉट कैरिंग आउट ऑफ एक्टिविटी रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, इनकम चार्जेबल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसमें आती है, नेक्स्ट आता है, एट्थ पॉइंट आता है हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ द बिजनेस में क्या था कि अगर बिजनेस ने हमने अगर हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करी है मतलब कैरी आउट करा है एसएससी ने तो कंटिन्यूसली कंसिस्ट करेगा कि बिजनेस की डीम्ड वर्क कितनी है, डीम्ड रेशो कितनी है सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 में। क्लियर, ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ये रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम इलीगल बिजनेस में क्या है कि इनकम अगर हमने अर्नड करी है बिजनेस में तो लीगली भी होगा, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, बट इनकम टैक्स उसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा पे करना ही पड़ेगा जितना भी प्रॉफिट उसको क्या हो रहा है, अर्न हो रहा है। क्लियर, टेन था कि अमाउंट अंडर द नेम इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने कोई इंक्लूड करा बोनस, ठीक है, वो पॉलिसी चार्ज भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेट शो करना पड़ेगा। क्लियर, ट्रांसफ़र एंड सर्टन एसेट्स अगर यूज़ करी है वो 35AD में यूज़ करी है कि सम रिसीवेबल एंड रिसीव्ड अमाउंट कौन सी है और कैपिटल एसेट लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हमने यूज़ करी है। क्लियर, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेल बिजनेस भी देखेंगे, डिविडेंड इनकम भी चेक करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस लैंडिंग द हाउस प्रॉपर्टी कितनी यूज़ हो रही है वो भी क्लियर चेक करेंगे। इज दैट क्लियर, आज हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन का और उसके आगे हमने सब सेक्शंस एंड प्रोविजंस कर लिए हैं, कल हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, अगर किसी को डाउट हुआ तो मैसेज कर देना एंड प्लीज़ अटेंडेंस अपनी मार्क कर दिया करो।